दोस्तों इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे राइटिंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ जॉब इंटरव्यू में ऐसा भी होता है कि जब वो इंटरव्यू में अपना रिज्यूमे इंटरव्यूअर को देते हैं तो इंटरव्यूअर उनका रिज्यूमे देखने के बाद उनसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है और वो क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ योर करियर ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन का गलत जवाब देते हैं, क्योंकि जब वो अपना रिज्यूमे बनाते हैं तो उसमें करियर ऑब्जेक्टिव को किसी और के रिज्यूमे से कॉपी करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू से पहले कभी भी अपना रिज्यूमे नहीं पढ़ते हैं ना ही करियर ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं इस बात को एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए एक कैंडिडेट ने अपने रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, टू स्टार्ट माई करियर विद अ रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप देख सकते हैं ये करियर ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट से जब पूछा जाता है कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है तो कैंडिडेट कई बार इस तरीके से जवाब देता है, जैसे कि I want to start my own business, मैं अपना business start करना चाहता हूँ। I want to get a government job, मैं एक government job हासिल करना चाहता हूँ। या I want to be an actor, I want to be a singer, कुछ इस तरीके के जवाब जो उस job से बिल्कुल भी irrelevant है। इसके साथ साथ कई बार ऐसे career objective बताता है जो उस job profile से या job description से बिल्कुल match नहीं खाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी smart, intelligent HR हैं या experienced HR हैं, कई बार कैंडिडेट से शुरुआत में यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि वो एक मिनट में पता करना चाहते हैं कि कैंडिडेट एक जेन्युइन कैंडिडेट है या नहीं। उसके रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव बता देता है कि कैंडिडेट ने वाकई में इंटरव्यू से पहले कुछ तैयारी की है या नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू में रिजेक्शन का कारण बनता है इस क्वेश्चन का सही आंसर ना कर पाना। तो हमेशा याद रखिए, जब कभी भी अपना रिज्यूमे बनाइए तो उसमें एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिखिए और इंटरव्यू से पहले उसको बहुत अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़िए।